ये जो करारदाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पेश की गई है, हम इसको वेलकम भी करते हैं, लेकिन आर्टिकल 370 पर अभी रेजोल्यूशन लाना बाकी है। ये जो स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जिसका जिक्र इस रेजोल्यूशन में है, वो ऑलरेडी ऑनरेबल एलजी साहब ने अपने इनॉग्रल स्पीच में इसका मेंशन किया हुआ। दिस इज समथिंग विच स्टैंड्स ऑलरेडी प्रोमिसड बाय द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आवर पॉलिटिकल फाइट एंड आवर डिमांड इज द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A विच इज येट टू कम। वी आर वेटिंग फॉर द एनसीज एज दे हैव प्रोमिसड, जिस तरह उन्होंने प्रोमिस भी किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी, कैंपेनिंग में भी, लोगों के साथ वादा किया, लोगों को वोट दिया, इतना एतमाद लोगों ने लिखा है, लेकिन जिस चीज़ को उनको एतमाद मिला है वो चीज़ अभी आनी असेंबली में बाकी है। अपोजिशन जो है वो 5 मेंबर टोटल हैं, बाकी जो बड़े 2 ग्रुप्स वहाँ पर है वो एक ही पार्टी के हैं, 2 डिफरेंट नेम लगे हुए, ये एक दूसरे वो डिप्टी स्पीकर इनका बनाने जा रहे हैं, तो उसमें उनको आपत्ति नहीं है, तो इसमें क्या आपत्ति है, वो एक ही बात, ये एक ही पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, 2 साइडों से बैठे हैं लेकिन पार्टी एक ही है।